से वो हमको बताएंगे कि इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होने वाली है। सो गाइस, अगर ये आपको लेनी है तो आपकी ये पड़ जाएगी। सो गाइज, मैंने एक वीडियो बनाई थी आप सबके लिए और आज हम दोबारा से उस शोरूम के सामने आ गए हैं। हालांकि शोरूम पहले यहाँ पर था, लेकिन अब नया शोरूम वहाँ पर बनने जा रहा है, तो आज हम उसी की ओपनिंग है, तो वहीं पर आए हुए हैं। आपको दिखाते हैं पूरा सिस्टम की क्या वहाँ पे हो रहा है, क्या वहाँ पे चलने वाला है। और आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे कि इस बाइक का प्राइस क्या रहने वाला है, तो आज आप सबके सामने प्राइस रिवील कर दूंगा, सब्सिडी वगैरह सब हटा के आपके पास ऑन रोड प्राइस क्या आने वाला है बाइक का, वो भी आप सबको बता दूंगा मैं। चलते हैं फिर शोरूम की तरफ, आप सब उनके मुंह से खुद ही सुन लीजिएगा। तो गाइस, हम आ गए कंपनी के ओनर के पास में और ये आपको बताएंगे और भी अच्छे में डिटेल की कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होने वाला है। देखिए नमस्कार, हमारा जो उद्देश्य था ना, सबसे पहले इसके दो उद्देश्य थे इस बाइक को बनाने के। सबसे पहला तो जो गडकरी जी कहते हैं कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहन का कीमत बराबर हो, तो हमने वो सोच के बनाया। दूसरा, आपने जो एक दो और मोटरसाइकिल आती है देखी होंगी, वो सब पीछे ऊंची सीट होती है, टेढ़ी सीट होती है। हमने ये बनाई है फैमिली बाइक, एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटा 5 साल तक का बच्चा उस पर बैठ। तो जो कोई एक कहीं नौकरी करता है 25,000-50,000 वाली, वो अपना ऑफिस जाता है सुबह बाइक पर, शाम को आता है और बीवी बच्चों के साथ मार्केट जाता। तो ये इन दो उद्देश्यों के साथ लेके बनाई गई थी ये बाइक। ये 1500 वॉट की इसमें मोटर है, इसकी मैक्सिमम स्पीड जो जाती है वो 75 किलोमीटर पर आवर जाती है। इलेक्ट्रिक है तो रनिंग कॉस्ट जो है 20 या 30 पैसे प्रति किलोमीटर है, जो कि नॉर्मल बाइक में आज आप कोई भी बाइक अगर उपयोग करेंगे तो 2 से 3 रुपए हो, तो जिसकी आमदन कम है उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी चीज। दूसरा, इसमें सब कुछ जो लगा है सारा इंडियन है, ये मेक इन इंडिया के तहत 100% इंडियन है, इसमें कोई चीज चाइनीज या इम्पोर्टेड नहीं लगी और हर चीज लोकली भी अवेलेबल है, तो कोई रिपेयर में या कोई मेंटेनेंस में जो भी एंड यूजर है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारे उद्देश्य लेके ये बाइक बनाई गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेक इन इंडिया बाइक है, हालांकि इंडिया की बाइक होने के नाते आप इसको एकदम सेफली यूज कर सकते हो। हालांकि मैंने इसको यूज करा है कि ये एक मेक इन इंडिया बाइक है और ये पूरी मेटल बॉडी से बनी हुई है। अगर आप बाय चांस आपका ना करे, अगर भगवान अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप तो वहां पे बच जाओगे शायद, लेकिन पर वो बाइक आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो बिल्कुल कचरा कचरा हो जाएगी। लेकिन पर ये बाइक मेटल बॉडी की बनी है तो ये एकदम मजबूती वाला काम होता है कि एक मेक इन इंडिया बाइक है। अब बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है, आपके पास ये कितने की मिलेगी सब्सिडी मिलाकर जो भी इसका आपका। इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो अभी 2 दिन पहले ही बढ़ा है क्योंकि बैटरी की कीमत बढ़ती जा रही है, तो अब आज की डेट में इसका एक शोरूम प्राइस 1,42,500 रुपए है, जिसमें 53,000 की सब्सिडी है फेम 2 की और राजस्थान में 7,500
50,000 की सब्सिडी है राजस्थान सरकार, तो ये एंड यूजर को लगभग 80,000 से 90,000 के बीच में पड़ेगी ऑन रोड इंश्योरेंस और सब रोड टैक्स वगैरह मिला। सो गाइस, अगर आपको इसका पूरा रिव्यू देखना है बाइक का, तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें हमने आपको जो स्पीडोमीटर बताया था वो उसमें अलग था, लेकिन अब उस बाइक में डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, डिजिटल या एनालॉग आ गया, डिजिटल पहले था। और जो जो इसमें चेंजेस नहीं थे वो चेंजेस में आ गए, क्योंकि पहले हमने आपको एक सैंपल पीस दिखाया था, लेकिन अब जो हम आपको दिखा रहे हैं वो एक रेडी पीस है, और वह जल्द से जल्द आप सबके पास आ जाएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां जाकर इसको बुक कर सकते हो। और अब हाँ, लेकिन आप वो बता दीजिए कि इसकी एक कस्टमर के पास कुल मिला के टोटल कितने उसको देने पड़ेंगे, सब चीज सबसे सब्सिडी वगैरह हटाकर उसको ऑन रोड कितनी देनी पड़ेगी? वो तो लोकल डीलर ही बताएंगे कि ऑन रोड वो कितने की दे पाएंगे। इसमें हम एक और एडवांस वर्जन भी अभी ला रहे हैं, ये तो ड्रम ब्रेक वाला है, वो डिस्क ब्रेक होगी और मीटर भी उसमें एंड्रॉइड वाला होगा। मीटर में भी नेविगेशन की फैसिलिटी होगी, जैसे आपको यहाँ से मान लीजिए बन्नी पार्क जाना है, आपको रास्ता नहीं पता, तो आप उसमें बन्नी पार्क डालेंगे तो वो आपको नेविगेट करके ले जाएगा, दिखाता भी रहेगा टर्न लेफ्ट टर्न राइट। वो एडवांस फीचर वाली बाइक क्राउन प्लस मॉडल, वो भी जल्दी आ जाएगा। तो सर ने एक ऐसी बता दी जो कि हमने आज तक कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है बाइक के अंदर। तो अभी हम बात करेंगे कमल जी सर से, वो हमको बताएंगे कि इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होने वाली है। सो गाइस, अब आपको ऑन रोड प्राइस बताने वाले हैं योगेश जी, आपको सब कुछ बताएंगे कि भाई बाइक के बारे में इसकी जो प्राइस है वो क्या होने वाली है। इसका एक्चुअल प्राइस है ना, वो है 91,500 रुपए, जिसमें 7,500 रुपए का मतलब सब्सिडी आएगा, वो अकाउंट में आएगा कस्टमर के में ही आएगा। उसके अलावा है 8 रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस है 4,800 रुपए के लगभग, इसका 1+4 ईयर का इंश्योरेंस है और 8 रजिस्ट्रेशन है। ये 1500 का ऐसे मिला कि ये लगभग 6,000 रुपए एक्स्ट्रा है, 6-7,000 रुपए, तो ये 91,500 एक्चुअल में प्लस ये हो जाएगा। इसके अलावा इसी के अलावा वो आएगा, इनका सब्सिडी है वो कस्टमर के अकाउंट में आएगी, पड़ जाएगी कस्टमर की ये 88,000 के आसपास हो जाएगी। सो गाइस, अगर ये आपको लेनी है तो आपकी ये पड़ जाएगी आपके 88,000 के लगभग, ये पड़ जाएगी लमसम बता रहे हैं ये आपको, वरना आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, आपको ये पूरी क्रेडिट बता देंगे भाई इतने की है। आप यहाँ पर आइए, आपको मैं एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आपको मैं इनकी जो आईडी भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो, यहाँ पे आप आ सकते हो और यहाँ पे अगर आप चेकआउट कर सकते हो। और बाइक का रिव्यू मैंने आपको पहले दे चुका है, अपने आई बटन में क्लिक करके आप दोबारा से वहाँ जाकर देख सकते हो कि मैंने आपको आपकी जो इसकी पूरी बाइक की है इसका पूरा रिव्यू दिया हुआ है। कॉन्टेक्ट नंबर आपके दे सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्टेक्ट नंबर में मैं इनके दे दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हो और डिलीवरी आप दे सकते हो। हाँ अभी तो फिलहाल मिल जाएगी, लेकिन अभी है ना ये 2 महीने के लगभग वेटिंग में जाने वाली है, बहुत ज्यादा हमारे पास बुकिंग है इसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 महीने की अगर आप वेटिंग कर सकते हो तो आप आ जाइए, वरना अगर आप जल्दी आओगे तो आपको वेटिंग नहीं भी मिलेगी। फिलहाल अभी तो मिल जाएगी आपको, बाद में अगर आप लेट आओगे तो आपको वेटिंग देखने को मिलेगी। अगर आप चाहो तो अभी आ सकते हो, यहीं पर ये भैया आपको मिलेंगे, यहीं पर ऑनर मिलेंगे, गुलाम के पास आपको स्टॉक मिलने वाला है। जब बगरू पुलिया है ना, उससे रॉन्ग साइड चलेंगे तो राइट हैंड की तरफ ही मिलेगा आपको, जैसे जस्ट सामने गहलोत पेट्रोल पंप है, सूर्य रिसोर्ट है ना उसके जस्ट अपोजिट साइड में। ठीक है, भैया ने आपको बताया कि आप कैसे यहाँ पे आ सकते हो, उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगा और जो भी डिटेल है बाइक की वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसका मैंने फिर बोल रहा हूँ फुल रिव्यू मैं कर चुका हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।